जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक गुरुवार को विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने कार्यालय के बकाया विद्युत बिल का भुगतान संबंधित विभाग को शीघ्र कर दें। जिलाधिकारी ने कहा कि बजट की मांग अपने मुख्यालय से करके हर हाल में मार्च से पहले भुगतान कर दिया जाए। किसी भी स्थिति में विद्युत बिल भुगतान अवशेष नहीं रहने चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि 50 लाख के ऊपर की परियोजनाओं की जांच हेतु जिन अधिकारियों को दायित्व सौंपा गया है वे शीघ्र जांच आख्या प्रस्तुत करें। जांच के समय कार्यदायी संस्था की उपस्थिति रहे। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता पर बल देते हुए कहा कि निर्माण कार्य मानक के अनुरूप होने चाहिए। इस अवसर पर स्वच्छ पेयजल की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि पेयजल योजनाओं को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण किया जाए तथा जल की गुणवत्ता की जाँच सुनिश्चित हो ताकि सभी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो। उन्होंने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि निराश्रित गौवंश को संरक्षित करने तथा टीकाकरण कार्य को प्रमुखता पर किया जाए। जिलाधिकारी ने निर्माण एजेंसियों को निर्देश दिए कि वे निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करें तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें, अन्यथा संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, CMO डॉक्टर SP पांडे सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग का उद्देश्य एजेंडा से बताना चाहूँगा सर, कि हमारे जनपद स्तरीय अधिकारी सर, उसका उद्देश्य ये है कि सर जो भी हम एक्सट्रक्शन कर रहे हैं, जो भी संस्था कर रही है, उसका रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल NOC के नाम से, तो समिति के माध्यम से और समिति के सुझावों से और जो दिशा निर्देश हैं उनके माध्यम से सर हमें NOC और रजिस्ट्रेशन करना है। ये जो ग्राउंड वाटर के श्री गणेश जी हैं वो बताएंगे सर। इसमें देखिए तो इसमें चार स्तरीय कमेटी गठन होना है। पहला जो है जिला स्तर पर है, विलेज ग्राम वाटर सब कमेटीज है जिसके जो प्लान को इम्प्लीमेंट कराना जिला स्तर में, तो इसलिए एक मामला जाएगा कि आगे फॉरवर्ड करना बड़ा स्तर जो दूसरे जो इसके जो सचिव होंगे वो BDO होंगे और जो इसके अध्यक्ष होंगे वो ग्राम प्रमुख होंगे सर। उसका गठन सर अभी हो चुका है। जिला अधिकारी महोदय सर आप उसमें अध्यक्ष हैं और जिला विकास अधिकारी मुख्य सचिव हैं और वर्तमान में भी नोडल अधिकारी हमारे लघु सिंचाई में सर। इसमें प्रभागी अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई विभाग है, सहायक अभियंता भूगोल विभाग, अधिशासी अभियंता उत्तरोदय जल निगम, अधिशासी अभियंता सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग गोरखपुर, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गोरखपुर जिला के सर। इसमें प्रोमिनेंट मेंबर है जिससे हमारे एक हमारे बीच में है सर प्रोफेसर गोविंद पांडे आचार्य मदन मोहन मालवीय सर वहाँ के हैं सर। अभी बेसिकली जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ग्राउंड काउंसिल का जो मुख्य वर्क है, जितने कमर्शियल प्लेशन हो रहा है, चाहे वो आटो प्लांट हो, कारावासिंग सेंटर हो, इंडस्ट्रियल एरिया हो, जितने स्कूल कॉलेज मिडिल कॉलेज जितने भी हैं सर, जितने कमर्शियल प्लेशन कर रहे हैं उन सभी लोगों को अब इस समय NOC और रजिस्ट्रेशन कराना होगा।